For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum, I am Dr. Asma Iqbal, Assistant Professor, Gynae Ops in Abbasi Shaheed Hospital and Karachi and Medical Dental College. My experience has been 11 to 12 years experience. I have been gynae and obstetrics cases and the cases of the gynae and obstetrics have been dealt with all of them. And where I am sitting in Abbasi Shaheed Hospital and privately, I am in Mamji Hospital and Al-Mustafa Hospital. You have your प्रॉब्लम्स हैं वो मुझसे गायनी और ऑप से रिलेटेड शेयर कर सकते हैं। एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग को सबसे पहले समझने की ये ज़रूरत है कि नॉर्मल क्या है। अगर किसी भी औरत के पीरियड 3 से 7 दिन के लिए रहते हैं और हर 21 से 35 दिन के अंदर आ जाते हैं तो ये सब नॉर्मल है। कोई भी चीज़ इस चीज़ नॉर्मल से हटकर है तो इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। इस चीज़ को तशखीस करना बहुत ज़रूरी है। इसके मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, हर वजह उम्र के हिसाब से देखी जाती है। ये ब्लीडिंग कमसिन लड़कियों में भी पाई जाती, ये जो प्रॉब्लम है ये कमसिन लड़कियों में भी मिलती है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में भी होती है। इवन कि ये प्रॉब्लम जो पेरीमेनोपॉजल यानी जो संन्यास की तरफ जा रही हैं उससे पहले की जो उम्र होती है उसमें भी आती है। इनको वजूहात को देखना बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि अक्सर ख़वातीन इसको नॉर्मल समझती हैं कि ये नॉर्मली ऐसा हो रहा है जबकि ये एबनॉर्मल होता है और इसको तशखीस करना और इसका इलाज करना बेइंतहा ज़रूरी है। कोई भी इन्फेक्शन चाहे वो यूट्रस का हो या फिर ट्यूब्स का हो यानी कि बच्चेदानी या नलों में इन्फेक्शन, ये सब इन्फेक्शन एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मेन वजह हैं जिसकी वजह से पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये सिर्फ ओवरी को इफेक्ट नहीं करती, ये ऐसे हार्मोन रिलीज़ करती है जो कि पूरे जिस्म को इफेक्ट करता है, तभी इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। हाइपर एंड्रोजेनिज्म में औरत में मर्दाना खसूसियात आने लगती हैं जैसे कि चेहरे पर बालों का आना, छाती पर बालों का आना, ये सब प्रॉब्लम और चेहरे पे दानों का बनना, ये सब प्रॉब्लम हाइपर एंड्रोजेनिज्म कहलाता है जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज की फीमेल्स में पाया जाता है जिसको हम तशखीस करते हैं और फिर तशखीस करके उसका इलाज बताते हैं। मेडिकेशंस स्पेशली जो हम देते हैं जो कि प्रेगनेंसी के शुरू से नहीं बल्कि प्रेगनेंसी करने से अगर प्लान कर रहे हैं, कोई भी नया कपल भी प्लान कर रहा है प्रेगनेंसी को, तो हम उस वक्त से स्टार्ट करते हैं। नंबर वन है फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, ये सब हमारी ज़रूरियात हैं जो कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कंटिन्यू करते हैं, वाइटामिन डी। और अगर किसी भी औरत को हमल के दौरान कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को सही करने के लिए कुछ मखसूस एंटीबायोटिक्स भी सेफली इस्तेमाल की जा सकती हैं जिससे ना ही बच्चे को मसला होता है और ना ही माँ को, लेकिन चूंकि इन्फेक्शन माँ में होता है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पेनिसिलिन ग्रुप है, सेफेलोस्पोरिन ग्रुप्स हैं, दे आर वेरी सेफ़ इन प्रेगनेंसी एंड वी यूजली यूज़ इट। ब्रेस्ट फीडिंग का सिर्फ माँ को नहीं बच्चे को दोनों को ही बहुत अच्छा असर आता है। इसका इफ़ेक्ट आफ्टर डिलीवरी ही आना शुरू हो जाता है, जैसे ही माँ अपना बच्चा पैदा करती है और उसी वक्त उसको ब्रेस्ट फीडिंग से लगा दिया जाता है, माँ का खून बहना बंद हो जाता है, यूट्रस अपनी पोजीशन पे जाने लग जाता है, यूट्रस श्रिंक होना शुरू हो जाता है। एक तो माँ को ये फ़ायदा होता है जिसके वक्त के साथ साथ यूट्रस अपनी जगह पर जाता है, माँ और बच्चे की बॉन्डिंग बढ़ती है, बच्चे को इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। ये दूध हर वक्त बच्चे के लिए अवेलेबल होता है जिसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, ये दूध गज़ाइत से भरपूर होता है, इसलिए हम ब्रेस्ट फीडिंग को एनकरेज फ़ौरन डिलीवरी के बाद ही करना शुरू कर देते हैं। एज़ यू ऑल नो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जितनी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं उसमें उतना ही फ़ायदा मरीज़ का अपना है। अगर सिंपल एक मिसाल हामला औरत की ली जाए, अगर वो डिलीवरी से पहले अपने पर्सनल हाइजीन का अच्छा ख्याल रखेगी तो ड्यूरिंग डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी उसको इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम होंगे और प्रॉब्लम्स कम से कम रहेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि अपनी खुद
चीज़ों का खाने पीने से पहले हाथों का धोना, घर के लिए भी खाना पकाने से पहले हाथों का अच्छे से वॉश करना, चीज़ों को वॉश करके इस्तेमाल करना आपके लिए और घर वालों के लिए बीमारी से दूर रखता है, जिसकी वजह से ना ही आप ज़्यादा दवाइयों की तरफ जाते हैं और ना ही आपकी कुव्वत मुदाफियत ख़राब होती है। आप अपनी अपॉइंटमेंट marham.pk के ज़रिए कन्फर्म करके मुझसे रब्ता कर सकते हैं इन्हीं दो जगहों पर। शुक्रिया।